अगर हम स्क्रिप्ट उठाते हैं किसी को देते हैं, बहुत ज्यादा मैंने ये देखी है, बहुत सारी चीजें फेस करी है, करता रहता हूँ, तो लोग लड़ जाते हैं, ये तो लड़की कर ही नहीं सकती, ये हम क्यों करें, इसको आप ना चेंज करो। वो डायरेक्टर से कह रहे होते हैं कि इसको आप ना चेंज करो, हमें आर्ग्यूमेंट नहीं करना। स्क्रिप्ट क्या है? ड्रामा है। अगर उसमें हमने किसी कैरेक्टर को दिखाया कि वो पिता से ज्यादा फेमस होगा तो होगा, इसका डायलॉग उससे तेज होगा तो होगा, वो बोलेगा, लेकिन हमें उसे किस ढंग से बोलना है ये समझना है। आप उससे लड़ोगे नहीं कि ऐसा रियल में नहीं होता। जब बायोपिक बनेगी तो डायरेक्टर उस हिसाब से अपना देखेगा, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको अलग कर देती हैं। आप जैसे जब भी ऑडिशन देने जाओगे तो अलग कर देती हैं, और ऑडिशन हम लाइन में लगने वाले नहीं होते। जैसे लोग क्या करते हैं, लाइन में लगते हैं, फिल्म सिटी में जाते हैं और बहुत ज्यादा लाइन में लगते हैं, फोटोग्राफ देते हैं। अब क्या होता है, आपका जो सिनेमा है वो बदलता जा रहा है, लोग भी बदलते जा रहे हैं। मुकेश चावड़ा का नाम तुमने सुना होगा, एक इकलौता बंदा है कास्टिंग डायरेक्टर जो लगभग हर सीरियल हर फिल्म की कास्टिंग करता है, हर चाहे वो गैंगा पॉसिबल हो, चाहे अभी वो एयरलिफ्ट हो, चाहे वो थप्पी सीरियल हो, चाहे कुछ भी हो, मुकेश छावड़ा आपको हर जगह मिल जाएंगे। मेरा समझाने का मतलब है कि क्या होता है, जब आप एक्ट कर रहे होते हैं वहां पर लाइन में लग के, तो सिर्फ आप वहां अपना मजाक उड़वा रहे होते हैं। ये शायद आपको भैया ने भी बताया होगा, इसीलिए ऑडिशंस में जाने की अभी परमिशन नहीं है। ऑडिशन में आप जा रहे हैं, आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आप उस टाइम में कुछ और कर सकते थे, मोबाइल से आप एक अच्छा वीडियो बना के किसी को भेज सकते थे। अब ऑडिशन ये होते हैं कि आपने अपनी एक, या तो आप फोन से क्लिप बना लो कि जो आपको रोल करना है वो आपने यूट्यूब के थ्रू भेज दिया, वो देख लेते हैं, अगर उन्हें समझ में आता है तो कॉल आ जाती है, नहीं समझ में आता तो कॉल नहीं आती है। ये अब कास्टिंग का जो है ये पैटर्न अपनाया जा रहा है। अब लाइन में लग रहे, लेकिन अभी भी लोग लाइन में लगेंगे, आप उनको समझा नहीं सकते। जब आप एक्ट करो तो सबसे पहला एक काम करो कि आप पूरी स्क्रिप्ट पढ़ो, भले आपके दो डायलॉग हो आप पूरी स्क्रिप्ट पढ़ो। अब यहां पर ऐसे लोग भी बहुत होंगे कि मैं एक सीरियल में गया तो वहां तो मुझे एक डायलॉग मिला, मेरे होंगे यहां पर गए होंगे, लेकिन उसके ऊपर जो उन्होंने समरी दी थी वो कोई नहीं पढ़ता। एक बंदा आ जाएगा हैंडसम सा और वो बताएगा आपको ऐसे डायलॉग बोलना, आपने बोल दिया, आप उसे और अच्छे से बोल सकते थे अगर आप उसके ऊपर की चार लाइनें बोल देते। और जो बॉडी लैंग्वेज जो अकड़ जाती है, सलमान बना देती है जो हमें, वो बॉडी लैंग्वेज को हमें बिल्कुल सॉफ्ट रखना है। रोल हर टाइप के आते हैं, अगर आपको बॉडीगार्ड का रोल दिया जाएगा तो आप हमेशा टाइट रहोगे, अगर आपको एक टीचर का रोल दिया जाएगा जिसमें चश्मा लगाना है और वो बहुत मतलब दुबला पतला रहेगा तो आप बिल्कुल वैसे रहोगे। और अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बहती हुई बॉडी लैंग्वेज है, इसको बदलना है। अगर आपने इस पर अभी से काम करना चालू कर दिया तो आप आने वाले समय में, मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कोई भी यहां पर ना हो जो सेलेक्ट ना हो, जो सेलेक्ट नहीं होगा ये चीजें। लेकिन अभी से हमें शुरुआत करनी है, क्योंकि हैबिट हमें नहीं बनानी है, हमें एक अच्छा एक्टर बनना है जो हर कैरेक्टर को जी सके, जो मम्मी भी बन सके, पापा भी बन सके, हीरो भी बन सके, हीरोइन भी बन सके, हमें ऐसा करना है। और कैमरे की तरफ जब हम बोलते हैं तो जैसे हमें कैमरे की तरफ ज्यादा नहीं देखना होता कि हमने एकदम से कैमरे की तरफ देख लिया, अब कैमरा पकड़ लेता है, वो एक ऐसी चीज है, आप उससे झूठ नहीं बोल सकते। आप उसे अपना दोस्त बनाओगे वो आपको बहुत अच्छी चीजें करके देगा, लेकिन अगर आप उसको सोचोगे कि हम उसको और ज्यादा दोस्ती कर दे तो वो उतनी चीजें बिगाड़ देगा। हर चीज की अति दूरी होती है। तो जब भी हम डायलॉग बोल लेते हैं, जैसे अभी मैं, अब जैसे मान लो सामने कैरेक्टर खड़ा है, अब डायरेक्टर बोलेगा तुम्हें कैमरे को देखने बोला, देन तब हम कैमरे को देख के बोलेंगे। अब जैसे मान लो मैं भैया से बात कर रहा हूँ, बात करते करते हम एकदम से ऐसे नहीं पूछेंगे, कैमरे की तरफ हमने देख लिया, बेकार हो गया सीन पूरा। अच्छा, कितने लोग ऑडिशन देने गए यहाँ पर?